आई एम अनुराग शर्मा एंड आई एम अ बी टेक स्टूडेंट फ्रॉम सी एस सी ब्रांच. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस लाइफ. सो माई सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वाई वी कम ऑन दिस अर्थ प्लेनेट. बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं कि सर लाइफ में हमारा जो पर्पज है वो क्या है और हम किस लिए इस प्लैनेट के ऊपर आए हैं. तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है. अगर सभी लोग इस चीज़ को समझ जाएं तो बहुत सारी जो मुसीबतें हैं राइट वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएं. देखिए प्लैनेट के ऊपर जो हम आए हैं तो वो मुक्त होने के लिए ही आए हैं. लेकिन दो चीज़ें हैं जिन्हें हमको प्राप्त करना है. सबसे पहला जो है वो मेटेरियल सक्सेस है और सेकंड जो है वो स्पिरिचुअल सक्सेस है. मटेरियल सक्सेस से मेरा मतलब ये है कि अगर आप आए हैं तो जो भी आप चाहते हैं इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष, देखिए पूरा सिस्टम ही हमारे शास्त्रों में आता है. तो धर्म भी है, काम भी है, अर्थ भी है और मोक्ष भी है. तो ये चारों जो सोपान हैं ये पूरे होने चाहिए. आपको इसके लिए प्रयास जो है वो करना है राइट, सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए. और हम अपने वीडियोस में सिक्स बॉक्स की भी बात करते हैं ना कि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, आपकी फैमिली है, हेल्थ है, वेल्थ है राइट, आपकी सोशल जो क्वेश्चन है, इन सभी में आपका जो ग्राफ हो वो अच्छा हो राइट. तो सभी चीज़ें मैटर करती हैं. इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करना, ग्रूम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट. क्योंकि सब कुछ हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी ना हो राइट, हम होशी में नहीं हैं तो फिर उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है. तो आप समझिए पर्पस जो है वो पॉजिटिविटी को आप स्प्रेड करने के लिए आए हैं, लव को, अनकंडीशनल लव को आप स्प्रेड करने के लिए आए हैं. तो आप इन चीज़ों पे काम करो तो निश्चित रूप से आपकी जो लाइफ का जो पर्पस है वो भी पूरा होगा और आप जो पॉजिटिविटी है इसको आप फैला पाएंगे. My third question is that how can we identify of our inner potential? As Swami Vivekananda said that all power inside in you, believe in that. But how to identify our inner potential powers? अपने potential को कैसे पहचाने? जैसे स्वामी जी ने अपने potential को पहचाना तो हम कैसे पहचान सकते हैं? तो उसी के लिए तो साधना है. साधना करके ही अपने पोटेंशियल को हम जान सकते हैं कि हम में क्या क्या शक्तियां हैं राइट. क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं और इसी वजह से हम परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं और कमज़ोर हैं. तो अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारे अंदर ये शक्तियाँ हैं और हम इतना कुछ पा सकते हैं आसानी से, तो फिर तो हम अपना जो पोटेंशियल है वो अनलॉक कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे. तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें, एनालिसिस करें. आपका जो जन्म है वो साधना के लिए हुआ है, तप करने के लिए हुआ है. तो आप इसको मिस मत करें और अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ्स हैं राइट पहचानें. एक पेपर के ऊपर लिखें कि क्या क्या ऐसी स्किल्स हैं जहाँ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में परफॉर्म करते हैं राइट. तो वो जो आप एक लिस्ट बनाएंगे तो फिर आप उस लिस्ट के ऊपर काम करना जो है वो स्टार्ट करें. मान लीजिए आपकी रीडिंग जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं राइट, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप बहुत आसानी से दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं. तो इस तरह से ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं आपके अंदर जो विशेष रूप से असाधारण है. इस चीज को अगर आप आइडेंटिफाई करने में सफल होगे तो बहुत आसानी से अपना करियर भी आप उसी डायरेक्शन में बना पाएंगे और अपनी शक्तियों को भी जगा पाएंगे.